ओएनजीसी के सहयोग से आरकेएचआईवी रिसर्च एंड केयर सेंटर के द्वारा 23 फरवरी को महा आरोग्य शिविर मुंबई के सेंटा क्रूज गुरुद्वारा के परिसर में 11,000 से ज्यादा पेशेंट्स आए। इसमें मुख्य अरिजी मौजूद थे, साथ ही ओएनजीसी के डायरेक्टर पंकज कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित थे। यहां लगभग 200 डॉक्टर्स ने 11,000 से अधिक मरीजों की जाँच की, 52 ट्राई साइट देकर और 4,900 से अधिक लोगों को चश्मे वितरित करके लगभग 12 लाख रुपए की दवाएं बांटकर इस कैंप को सफल बनाया गया। मछुआरे समुदाय के लोगों को खुशहाल और स्वस्थ रखने के लिए यह मुफ्त शिविर आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर द्वारा ओएनजीसी के सहयोग से एक बड़ी और कामयाब पहल रही। बता दें कि आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर लगातार 25 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए 29,000 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाकर 3,55,00,000 से अधिक मरीजों को देखकर 96,000 से ज्यादा लोगों की मुफ्त में सर्जरी करवाकर हिंदुस्तान को स्वस्थ करने में अपना अहम रोल अदा किया है। इस कड़ी में अभी तक 10 बार से ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। भारत देश के वासियों को कैसे स्वस्थ रखा जा सके, ये संस्था हमेशा इस दिशा में काम करती है। इसी सिलसिले में मुंबई के कोस्टल एरिया में रहने वाले बहुत सारे मछुआरों की सेहत को लेकर मीडिया के साथियों, आज हम ओएनजीसी और हमारे धर्मेंद्र कुमार की जो एनजीओ है, जो 25 साल से एक एनजीओ चला रही है, उसके सहयोग से आज हम एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। और आप लोग देख रहे हैं, इस स्वास्थ्य शिविर में बहुत लोग आए हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ जो मछुआरे हैं उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारी जो असंगठित श्रमिक है उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं। और इसी तरह से हम आज हमारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी की एनजीओ और हमारी ओएनजीसी के सहयोग से आज हम इस शिविर का आयोजन किए हैं, जहां जो विकलांग जो लोग हैं उनको हम व्हीलचेयर दे रहे हैं, जो आँख से कम देखते हैं उनको हम चश्मा दे रहे हैं, उसी तरह से लोगों को हम स्वास्थ्य परीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी ई श्रम हम कार्ड बना रहे हैं। आप लोग मालूम है ई श्रम कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा है, कि कोई कारण से अगर ई श्रम कार्ड बनाने वाला व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिलता है। अभी तक हम भारत में करीब 30,000 लोगों को हम कार्ड बना चुके हैं, ई श्रम कार्ड। इस तरह से आज हमारी गुरुद्वारा के परिसर में इस शिविर का आयोजन किया। और आप लोग देख रहे हैं, हमारे लेबर डिपार्टमेंट के RLC हैं, हमारे इस NGO के जो चेयरमैन हैं हमारे धर्मेंद्र कुमार जी हैं, हमारे ONGC के लोग भी हैं यहाँ उपस्थित हैं। इस तरह सभी का सहयोग से आज इस सभी शिविर का आयोजन किया है। आप लोग का भी सहयोग मिला है। मैं चाहता हूँ आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसको प्रचार कीजिए और हमारी एक स्वस्थ भारत हम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी की भी इच्छा है कि हमारी जितनी भी रोग है कैसे उसको निर्मूल किया जाए, इसके लिए हर एक प्रकार के काम हम कर रहे हैं। जैसे आप अगर देखें, आयुर्वेदा का भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, एलोपैथिक तो है, उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और हम चाहते हैं कि मुंबई जैसे जो इतना व्यस्त वाला शहर है, हम चाहते हैं यहाँ सभी व्यक्ति स्वस्थ रहे, यही हम कामना करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, रामेश्वर जी यहाँ पर आए और आशीर्वाद दिया और इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, लोगों को इसकी सेवा मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कोस्टल लोगों की समस्या हमेशा से सुनने को मिली है और इसी सिलसिले में आज का ये कैंप इस एरिया को निर्धारित करके गुरुद्वारा के परिसर को हम लोगों ने प्लानिंग किया और इसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए, या यहाँ के लोगों के लिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आप लोगों को मालूम है कि लास्ट 25 सालों से निरंतर हमारे प्रयास चल रहे हैं कि हिंदुस्तान को, मैं और मेरी टीम हमेशा एक स्वस्थ देखना चाहती है, और जिसमें स्पेशली भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये स्पेशल एक मिशन है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद एक हिंदुस्तान को स्वस्थ देखना चाहते हैं। इस मिशन में एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक छोटा सा योगदान है। मैं चाहूँगा कि ये योगदान हमेशा हमारी टीम इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें और इस तरह के कैंप में ऐसे माननीय मंत्री जी आते रहें तो आप लोगों का मनोबल बढ़ता है, यहाँ की टीम के मनोबल बढ़ती है। और मैं चाहूँगा कि
शाम होते होते जो जितने व्हील चेयर आई है और जितने डॉक्टर आए हैं और जितनी मेडिसिन आई है, हम 20,000 तक पहुंचने की हम कोशिश हमारी है। मैं कोशिश करूंगा कि हम अच्छी तरह सफलतापूर्वक हम ये पहुँच पाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अगर मीडिया साथियों से, आप लोग भी अगर टैक्स उक्स पे नहीं करते हैं, अगर आप लोग का भी अगर प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं कटता है, आप लोग ऐसे भी अगर कोई मीडिया साथी हैं तो आप भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। आपका जो कैमरा उठाता है शायद उनको ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ उन लोगों भी ई श्रम कार्ड बन जाए। ये फिल्म इंडस्ट्री में सर हमने टारगेट किया है कि जितने भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसमें से ये भी आ जाती है, हमने सबको संगठित किया है और उसमें कोशिश रहेगी कि 1,00,000। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि ONGC जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सबसे ज़्यादा जो CSR का खर्चा होता है ONGC में ही करते हैं। हर साल लगभग 500 करोड़ के आसपास हमारी जो बजट होता है और उसमें काफ़ी सारे अच्छे काम होते हैं। कि आप एक छोटा सा आप नमूना आपके सामने ये पेश कर रहे हैं हम लोग आज, ये जो हेल्थ कैंप जो कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे इस तरह एजुकेशन का फील्ड में भी काफ़ी सारा काम करते हैं हम। ये अपना उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो अपने लिए एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं नीति आयोग के जो कहने पर, वहाँ पे कुछ लगभग 11 स्कूल में हम लोग स्मार्ट क्लासरूम्स लगाने जा रहे हैं। अभी पालघर में लगभग 33 स्कूल्स में ये स्मार्ट क्लासरूम्स लगवा दिया हमने ऑलरेडी, कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। ये लगभग 4.5 करोड़ का खर्चा जो है हम सिर्फ मुंबई के ऑफिस से हम इस साल महाराष्ट्र के इसमें प्रदेश में खर्चा कर रहे हैं। थैंक यू। धर्मेंद्र जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि वो हमेशा इस तरह के महाआरोग्य शिविर करते रहते हैं और पिछले 8 साल से मैं उनके साथ में इस शिविर के माध्यम से जुड़ी हूँ। वो मुझे हमेशा अपने शिविर में बुलाते हैं, जब मैं फ्री होती हूँ तो आती हूँ और इनके इस शिविर का हिस्सा बनती हूँ। और इस बार तो मैंने अपने संगीता तिवारी ट्रस्ट से इस काम में अपने आप को भी एंट्री ले लिया है कि लोगों का भला हो, कुछ इस तरह का समाज कल्याण का काम करना चाहिए। और अभी 26 मार्च को हम लोग चित्रकूट ग्राउंड में एक बहुत बड़ा महाआरोग्य शिविर कर रहे हैं जिसमें फिल्म लाइन से बॉलीवुड के लगभग 1,00,000 लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए ये महाआरोग्य शिविर है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितने भी लोग होंगे सब लोगों को इस शिविर में लेकर आइए और इस शिविर के का लाभ उठाएँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा काम है। ऐसा सोचना लोगों को दिमाग में बहुत लोगों को कम आता है कि ऐसी चीज़ें की जाए। और जैसे कि दूसरा शिविर जो है, ये जो कार्ड बना रहे हैं लोग, ई श्रम कार्ड जो बना रहे हैं, वो भी कार्ड बनवाना चाहिए सबको जो लोग गरीब लोग हैं। बताया जैसा कि बताया उन्होंने कि ऑटो रिक्शा चालक होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, तो बनवाना चाहिए। और बहुत अच्छा चीज़ है ये काम करना और सबके नसीब में भी नहीं होता है ऐसे काम करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेडिकल कैंप बेसिकली सारे अपने जितने लोगों को रिक्वायरमेंट है, हेल्थ हमारा हमेशा प्रायोरिटी रहा है और हमेशा रहेगा। आप देख सकते हैं जो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने आई केयर का फैसिलिटी यहाँ लिया है, हमने काफ़ी व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इवन फॉर वेरियस अदर एलिमेंट्स, काफ़ी लोगों को जो इश्यूज होते हैं थ्रू देयर ब्लड एंड सिकल सेल टेस्ट एंड ऑल दैट। तो ये हमारे रेगुलर एक एफर्ट रहा है टू प्रोवाइड फॉर ऑल द नीडी एंड द पुअर पीपल, वेयर एवरीबडी नीड्स टू कम फॉरवर्ड एंड दे कैन टेक एंड अवेल देयर बेसिक नीड विच इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आज एक लग्जरी आइटम नहीं है, एक बेसिक नेसेसिटी है एंड ये एक बेसिक राइट है हर इंडिविजुअल का। सो एट RKHIVH रिसर्च एंड केयर सेंटर आर एफर्ट इज़ ऑलवेज टू मेक आर कंट्री मोर हेल्दियर एंड मोर फिटर एंड टू एंश्योर कि हम सबसे नीडी लोगों को जिनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जो कोई डिजीज़ होता है या कोई हेल्थ एलिमेंट होता है, तो पहले ये नहीं सोचते कि हम ठीक कैसे हो, बट ये सोचने लगते हैं कि ये चीज़ में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए हम एक प्रोविज़न लेके आए हैं
ऐसे लोगों के लिए हम हेल्थ कैंप्स रखते हैं कि वो विदाउट एनी कॉस्ट या कम से कम सब्सिडाइज रेट में जितनी भी ज़्यादा जितना भी बड़ा बीमारी हो या जितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो उसका हम सोल्यूशन ला पाए। थैंक यू सो मच।